स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, दूसरे राज्य और शहरों की तरह हमारी झारखंड सरकार भी चाहती है कि हमारा झारखंड सारे शहरों और क्षेत्रों की तरह हर क्षेत्र में खुद को आगे रखे, अव्वल रखे। इसके लिए सरकार समय समय पर लोगों के लिए बहुत सारी नई नई योजनाएं लाते रहा है, जिसकी मदद से लोग रोजगार से जुड़ पा रहे हैं। चलिए, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लोग रोजगार से जुड़ पा रहे हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं। तो इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं गुमला के विसुनपुर में रह रहे उन लोगों के पास, जो कि कौशल विकास के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे, खुद को रोजगार से जोड़ पा रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब वहाँ रोजगार हो, लेकिन हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए हमारे देश की सरकार निरंतर प्रयत्न करती रहती है और कई नई नई योजनाओं का संचालन भी करती है, ताकि देश से बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं गुमला जिला के बिशुनपुर में, जहां पे कौशल विकास के माध्यम से यहां के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। तो आइए इन युवाओं से जानते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर इनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आगे वो क्या करना चाहते हैं, इन युवाओं से जानते हैं। मेरा नाम संजना मुखिया है और मैं लॉर्ड दग्गा से आई हूँ और मैं यहाँ पर कंप्यूटर सीखने आई हूँ। और कंप्यूटर से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जैसे मैं बैंकिंग में या रेलवे सब ये सब में जाके वहाँ पर इंटरव्यू देकर ये सब का भी काम आ सकता है। कितने दिनों का प्रशिक्षण है? 2 महीने का। क्या क्या सीख लिया आपने? हम लोगों ने पेंटिंग सीखा है, फिर MS वर्ड सीखा है अभी, और अभी सीख बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मैं 11th 12th में हूँ। कितना हेल्प कर रहा है कंप्यूटर आपकी स्टडी में? सर, बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है। अभी कंप्यूटर सीखने के बाद क्या करना चाहते हैं? मैं अभी बैंकिंग में जाना चाहती हूँ। मेरा नाम संदीपन तिर्की है, मेरा गांव छोटके समदारी। मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने आता हूँ। यहाँ का जॉब रोल एसोसिएट डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमारा टाइपिंग स्पीड होता है, अभी टाइपिंग पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एमएस पेंट पढ़ाई हो चुका है और अभी MS वर्ड आधा पढ़ाई हुआ है। इससे हमें बहुत से फ़ायदा मिलेंगे, जैसे एसोसिएट डाटा एंट्री ऑपरेटर पर हम लोग जॉब कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर MS वर्ड में कैसे कैसे व्हाट्सएप बनाते हैं और MS पेंट में पेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखे हैं। और हम लोग यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग में हम लोग का स्पीड हो रहा है, इससे हमारा टाइपिंग स्पीड होगा, इससे हम लोग नौकरी अच्छे से कर सकते हैं। कौशल विकास योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को निशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि आगे चलकर उन्हें रोजगार के अवसर आसानी से मिल सकें। इस योजना के तहत आज आपको दिखाते हैं गुमला के बिशुनपुर में यहाँ के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम सलाना खान है, मैं चपाटोली से आई हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आती हूँ।
यहाँ एमएस पेंट, एमएस वर्ड और टाइपिंग लिखती। यहाँ हॉस्टल का सुविधा है, बाहर से लोग आके रह सकते हैं जो अलग जिला के हैं, और उनके लिए खाना सब है, सोने के लिए जगह वगैरह सब चीज़ दिया गया है, और यहाँ से सर्टिफिकेट सब भी मिलेगा कोर्स ख़त्म होने के बाद। मेरा नाम है दीपमाला लकड़ा, मैं लातेहार ज़िला से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सीखने के लिए आए हैं, और आजकल हर जगह कंप्यूटर का बहुत मान्यता है, जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ के या तैयारी करके हम लोग नौकरी कर सकते हैं। यहाँ पे रहने का, खाने का, और जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ये फ्री का है। कंप्यूटर सीखने से हम लोग को बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम लोग अपना, जैसे हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, पर अभी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिल रहा है, और ताकि हम लोग को बाद में भी अपने से कुछ कर सकते हैं। सरकार के इन्हीं सफल प्रयासों में से एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि आगे चलकर उन्हें आसानी से रोजगार की प्राप्ति हो सके। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के केंद्र संचालक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में 3 प्रकार के जॉब रोल चलाए जा रहे हैं, एसोसिएट डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयर टेलर और एक हेल्थ हाइजीन। ये 3 प्रकार के भी प्रशिक्षण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये जितने भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं सारे निःशुल्क हैं, और आवासीय सुविधा जो गुमला के अलावे जो जिला से हैं उनको आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है, और सभी जॉब रोल के लिए जितने जो NSDC से जो इक्विपमेंट होती है सारे इक्विपमेंट प्रशिक्षणार्थी को दिए जाते हैं, और उनको काफ़ी समय भी दिया जाता है। अभी यहाँ पे डाटा एंट्री के 3 बैच चल रहे हैं और हेल्थ का 1 बैच चल रहा है, और जो हमारे जो खास करके होते हैं सबसे बच्चों को दूर दूर के हम लोग मोबिलाइजेशन को जो पार्ट होता है वो हमारे विकास भारती के द्वारा हमारे जो दूर दूर के मतलब प्रखंड समन्वयक हैं उनके माध्यम से जो गांव में वो लोग जाते हैं और प्रचार करते हैं कि विकास भारती में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में विभिन्न प्रकार के मतलब स्किल डेवलपमेंट के थ्रू प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, फिर वहाँ से सारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आते हैं। और अभी तक यहाँ पे ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है 2017 से संचालित है, और अभी तक यहाँ पे 1441 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं, उसमें से 810 प्रशिक्षणार्थी सेल्फ एम्प्लॉयड में है और वेजेस में 300 एम्प्लॉयमेंट में है। जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण ले प्रशिक्षण जो प्राप्त कर लेते हैं उनके बाद हमारे रांची से प्लेसमेंट ऑफिसर भी होते हैं। अगर जो बच्चे अगर बाहर में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक दो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, जैसे सिलाई में भी है, सिलाई में यहाँ से एक वेल्सपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंजार गुजरात में है, तो वहाँ से भी अगर जो प्रशिक्षणार्थी जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे भेजा जाता है नौकरी के लिए, या जो खुद का अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अगर उनको अगर लोन वगैरह नहीं मिलती है तो उनको मतलब कैसे हम लोग लोन ले सकते हैं उनको सारा प्रक्रिया को बताया जाता है, क्योंकि मतलब बैंक से हर कोई को लोन मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो सारी जो प्रक्रिया उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या लगता है ना, वो सारा चीज़ प्रशिक्षणार्थियों को बताया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश से बेरोजगारी को कम करना है। इस योजना के माध्यम से अब वैसे लोग भी औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पा रहे हैं जिन्होंने आर्थिक दिक्कतों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। निशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होने से गरीब लोगों को भी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, और अपने कौशल के दम पर रोजगार प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मेरा नाम कुमार सरवा, मैं PMK के गुमला में IT ट्रेनर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में भी ट्रेनिंग देता हूँ, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी, वर्चुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी, और यहाँ पे
थ्योरी का भी क्लास हम लोग लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में जैसे मेमोरी के बारे में जैसे बताना, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना, जैसे जनरेशन और कंप्यूटर के बारे में बताना, वो सब चीज़ के बारे में भी डिटेल से हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर भी काफ़ी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स उसे बताते हैं, जैसे कि फाइंड और रिप्लेस कैसे किया जाता है, कोई बड़ा से बड़ा डेटा पे भी जल्दी से जल्दी कैसे कोई चीज़ को ढूंढ लें, कैसे उसको फाइंड कर लें, कैसे बड़ा से बड़ा डेटा को वहाँ पे रिप्लेस कैसे कर दें दूसरा डेटा से, और यहाँ पे स्पेलिंग कैसे चेक करवाएं, वो सब बारे में भी हम लोग देते हैं एमएस वर्ड पे ट्रेनिंग। जैसे कोई डेटा है उसके बारे में उसका ग्राफ के थ्रू कैसे समझाएं, जैसे कि कॉलम ग्राफ्स, जैसे पाई चार्ट के बारे में कैसे समझाएं, ये सब के बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कोई एक्सेल पे कोई बड़ा से बड़ा 50 स्टूडेंट का डेटा है, 100 स्टूडेंट का डेटा है, उसको हम जैसे उसको मार्क्स आया फिजिक्स केमिस्ट्री में या कोई डेटा आया है, उसमें टोटल को ऐड कैसे किया जाता है, उसमें ग्रेड कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे सारा कुछ फ्री है, जैसे लॉजिंग, फूडिंग और ट्रेनिंग सारा कुछ फ्री है, इसमें एक भी रुपये नहीं लगते हैं। और बच्चे का यहाँ पे 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि 4 घंटे का टोटल एक बैच 4 घंटे का होता है, और अभी फिलहाल 3 बैच रनिंग में है, और चौथे बैच के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट को। और तो उसको हम लोग इसे फ़ोन के थ्रू भी उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आप लोग कहाँ पे अभी कार्यरत हैं और अभी क्या कर रहे हैं और आगे का प्लानिंग क्या है। ऐसा नहीं कि आप इस फील्ड में, आप उस दूसरे फील्ड में भी आप अपना अपने अपने आप किस्मत आजमा सकते हैं, उस चीज़ में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उस चीज़ को आगे से आगे बढ़िए और अपना लाइफ को बेटर से बेटर बनाइए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से गुमला के विष्णुपुर में रह रहे उन छात्र छात्राओं के बारे में जो कि कौशल विकास के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को रोजगार से जोड़ पा रहे हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं गिरिडीह में रह रहे उन लोगों के पास जो कि डिजिटल इंडिया से लाभान्वित होकर खुद को जागरूक कर गए, खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन लोगों से। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में डिजिटल उपकरणों के बिना हम अपने जीवन के एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते, और आज हम किसी भी कार्य को ऑनलाइन ही करना पसंद करते हैं। इसी बात को हमारी भारत सरकार भी नज़र में रख रही है, और हम देख रहे हैं कि आज डिजिटल इंडिया जैसी पहल भारत सरकार ने की है, जिसके तहत सरकार के विभिन्न विभागों को देश की जनता से डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा रहा है और लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं झारखंड के गिरिडीह में और देखते हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया यहाँ के लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। मैं अनुपम कुमारी हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12वीं क्लास। डिजिटल इंडिया एक टेक्नोलॉजी, ये पहले इसको स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर किए थे नरेंद्र मोदी, 1 जुलाई 2015 में किए थे, और उससे हमारे समाज में बहुत सारे मतलब सहायता होती है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डिजिटल आ चुके हैं, और मिसाइल भी उस तरह बनते हैं। बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, हम लोग को पढ़ाई में हेल्प मिलती है, प्लस ऑनलाइन क्लास के लिए भी बहुत सारा हेल्प। जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोबाइल था, इंटरनेट, सब जूम्स मीटिंग भी हुई थी, बहुत सारे मीटिंग, पढ़ाई, प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्प मिलती है, गूगल से भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मिलते हैं। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया से कोई विद्यार्थी पूरी दुनिया को मुट्ठी में किस तरीके से कर सकता है? कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ सीख भी सकते हैं उनसे, टेक्नोलॉजी से, और उनसे देख देख के बहुत सारे मिसाइल भी बनते हैं, और कुछ कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलते हैं डिजिटल इंडिया से। सबसे ज़्यादा हेल्प ये स्टूडेंट को होते हैं, और टीचर लोग भी सब कुछ अब ये डिजिटल इंटरनेट से भी सारे काम करते हैं, जैसे अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक ही जाता है, बहुत कुछ, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये फिर जोमेटो कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म भी भरा सकता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे हम लोग ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे, एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं।
मेरा नाम तनिषा कुमारी है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। उससे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ड्राइंग के थ्रू भी स्टडी कर पाते, तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। मोबाइल के थ्रू तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे प्लेस पे जैसे हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, तो मोबाइल से लोकेशन के थ्रू कुछ भी देख सकते हैं। इसे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके आराम से आप कोई भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत ईजी के थ्रू, बहुत अच्छे से और बहुत ईजी वे में। मेरा नाम जिज्ञासु कुमारी है, मैं हनी होली में पढ़ती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आप 10वीं की छात्रा हैं। आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास है? हाँ है। क्या उसमें किस तरीके से पढ़ाया जाता है? उसमें हम लोग को कंप्यूटर्स के बारे में बताया जाता है, बायोलॉजी में हमें बताया जाता है, मतलब पूरे प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है कि कैसे क्या होता है। दोनों में काफ़ी अंतर है। पहले जब टीचर हम लोग को पढ़ाया करते थे तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था एजुकेशन का, लेकिन अब जब प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग को पढ़ाया जाता है तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा डीपली हम लोग को पढ़ाया जाता है प्रोजेक्टर के थ्रू। अब जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि कोविड में ना हम लोग स्कूल जा सकते थे और ना ही हम लोग ट्यूशंस वगैरह जा सकते थे। जब से कंप्यूटर, मोबाइल या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हैं तब से एजुकेशन काफ़ी ईजी हो गया है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया करते हैं, काफ़ी एजुकेट हो गए हैं आजकल के छात्र भी और टीचर्स भी काफ़ी स्मार्टली हम लोग को अब पढ़ाया करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं, 1 भाई है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मल्टीपर्पज वर्कर हैं। तो जब घर में आप लोग सब भाई बहन लोग बैठते हैं तो डिजिटल इंडिया के बारे में क्या बातें होती हैं और किस तरीके से आप लोग जुड़ती हैं और अपने घर के काम को किस तरीके से करती हैं? जब हम लोग साथ में बैठा करते हैं तो कुछ पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो नहीं समझ में आता है वो हम लोग फ़ोन पे सर्च करते हैं या फिर हम लोग वीडियोस देख लिया करते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने घर के काम को किस तरीके से करते हैं? मान लो बिजली की बिल की बात करते हैं या कोई प्रोसेसिंग की बात करते हैं, किस तरीके से करते हैं? बात रही या फिर हमारी बिजली बिल की, तो फिर हम लोग उसको फ़ोन पे यूज़ करते हैं। फ्लिपकार्ट पे कोई सामान आता है तो फिर हम लोग फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, पेमेंट ऑनलाइन पे करते हैं। और जब से कोविड आया तब से तो फ़ोन पे ऑनलाइन शॉपिंग्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जैसे गेम्स में हम लोग इंजॉयमेंट और बहुत तरीके के और ऑनलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट, जैसे कुछ सर्च करने के लिए हम गूगल वेब में सर्च करते हैं कोई प्रोजेक्ट को, तो वो सामने आ जाता है। हमारे डिपार्टमेंट का जो भी काम होता है, विद्यालय का काम, MDM का काम, वो सारा हम लोग अपने मोबाइल से कर लेते हैं। तो कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले जो मैनुअल काम करते थे कहीं कहीं काफ़ी परेशानियां होती थी, प्रखंड कार्यालय आना पड़ता था रिपोर्ट जमा करने के लिए, कि जब से डिजिटल इंडिया आया है तो सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, कितनी गति मिली है काम में? बहुत ज़्यादा गति मिली है। जो काम हम बैठ करके करते थे, पेन पेपर से करते थे, उसमें समय हमें जो है सो 4-5 दिन लगता था, अब वो काम हम जो है सो कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा चंद देर में कर लेते हैं। अगर हम शिक्षकों की बात करते हैं तो किताब में काफ़ी सारे मतलब कि टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ाना है इसके बारे में कहीं नहीं बताया जाता है। एक टीचर होने के नाते किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना है तो किस तरीके से पहले आप खुद सीखते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, हमें यूट्यूब पर सर्च करने के बाद ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट है, इसमें इस ढंग से हमें पढ़ाना चाहिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जैसे मान के चलिए कोविड में हम लोग जो भी किए, जैसे कोविड में जो भी किए, आपका रैपिड टेस्ट हुआ उसका एंट्री करना, उसके बाद फिर टूनेट हुआ उसका भी एंट्री करना, हम लोग मोबाइल ऐप्स के द्वारा ही करते थे। और जैसे फैमिली प्लानिंग हुआ, बंध्याकरण में भी जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी पेमेंट होता है, सब हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। ये तो आपने अपने विभाग के कामों के बारे में बताया, किस तरीके से आप इसे इंडिया का लाभ दे रहे हैं, अगर आपके व्यक्ति
व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, बिजली बिल जमा करना है या कुछ सामान परचेज करना है, उन सारे कामों को आप किस तरीके से डिजिटल इंडिया के माध्यम से करते हैं? हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी कैशलेस काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैशलेस काम करते हैं और साथ साथ हम लोग पेमेंट भी करते हैं, तो मोबाइल से ही करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, और नेट बैंकिंग यूज करते हैं, और जितना भी परचेजिंग है, जितना भी कोई भी चीज़ है, हम लोग कैशलेस ही काम कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया कितना लाभकारी लोगों के लिए साबित हो रहा है? लाभकारी तो बहुत ज़्यादा साबित हो रहा है, क्योंकि अगर ये डिजिटल इंडिया नहीं होती तो आज मेरा देश का इतना तरक्की नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा ही प्रगति हुआ है जब से ये ऑनलाइन हुआ है 2020 से, तब से हम लोग का भी बहुत अच्छी सुविधा है, और हम लोग का ऑनलाइन रिपोर्ट है, जो भी है सब हम लोग ऑनलाइन से काम करते हैं। मेरा जिला जो है और मेरा प्रखंड जो है झारखंड राज्य के अंतर्गत, तो डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो उससे हम लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, और हम हर हद से चाहते हैं कि वो हमारे प्रखंड में सबसे ऊंचा हो और जिला में नाम रोशन हो, इसके तहत हम राज्य में भी आगे बढ़ेंगे। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से गुमला के विशुनपुर में रह रहे छात्र छात्राओं के बारे में, किस तरह से कौशल विकास के तहत वो कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके खुद को रोजगार से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जो कि डिजिटल इंडिया से जुड़कर खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं अपना